वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो आप लोगों का शायद समझ में आ गया मैं आज किस रिलेटेड बात करने वाला हूँ। हाँ, आज मॉक टेस्ट लूँगा जो CITS का जो एग्ज़ाम है 16 सितंबर और 17 सितंबर को। तो एग्ज़ाम देने से पहले मेरा बात आप लोग ध्यान से सुनिए। एग्ज़ाम देने का कुछ इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए और 2-3 दिन में कैसे प्रिपरेशन लेना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिलेबस का बात करेंगे तो सिलेबस में 75% टेक्निकल और 25% नॉन टेक्निकल है। 75% टेक्निकल में हम लोगों का जो ट्रेड थ्योरी है वो ट्रेड थ्योरी से आएगा क्वेश्चंस, और 25% जो है वो नॉन टेक्स है, मतलब GK, GS, रीजनिंग, मैथ आएगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका साथ बात किया, वो भी CTI किया पिछला साल। उसका साथ बात करके ये पता चला कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। तो ये क्या है, ये कोर्स का एडमिशन लेने के लिए जस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसका बेसिक टेक्निकल से आता है उसका बहुत ही आसान है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन आएगा, जैसे हैंड टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, और जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर नॉन टेक्निकल का बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल में कैसा आएगा, जो GK, मैथ, रीजनिंग आता है, बहुत ही आसान मैथ रीजनिंग आता है। रीजनिंग का अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में ज़्यादातर आता है नंबर सीरीज, जैसे कोई भी एक नंबर सीरीज दे दिया, पहला नंबर से 1 घटाया, दूसरा नंबर से 2 घटाया, तीसरा नंबर से 3, मतलब बहुत ही आसान है। जिसको थोड़ा बहुत मैथ आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है। और रीजनिंग का जैसे नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, वैसे जम्बल वर्ड से क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। और GK का अगर बात करेंगे, GK का तो कोई सिलेबस नहीं होता, ये कहीं से भी आ सकता है। और मैथ्स का बात करेंगे तो जैसे सिंप्लीफिकेशन आता है, मेंसुरेशन आता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही ईजी आसान क्वेश्चन आता है। तो इसका जो टोटल सिलेबस है ये मिला के मैं क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है। हम सोच रहे हैं कि ये जो दो तीन दिन है वो टोटल 3 दिन में हम लोग 3 एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है। तो 3 एग्ज़ाम में एटलीस्ट 200 से 300 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे मेरा फ्रेंड मेरे को बताया कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आता है, वैसे ही एक इजी पैटर्न में मैं क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ। कट ऑफ रहेगा 80 के ऊपर। अगर आप लोग 80 से ज़्यादा मार्क्स ला सके एग्ज़ाम में मॉडल पेपर में, तो आप लोगों का सिलेक्शन उसमें पक्का है, ठीक है। तो आज का जो एग्ज़ाम है टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा, 2 घंटा टाइम रहेगा, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अगर हम बात करेंगे कि 2-3 दिन में क्या पढ़ना है, तो 2-3 दिन में अगर पढ़ना चाहते हैं, जो जो प्रिपरेशन सही से नहीं ले, उन स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि निमी का जो थ्योरी बुक है, अगर निमी का थ्योरी बुक हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो आप लोग निमी का थ्योरी बुक फॉलो करो। अगर नहीं हो तो निमी का जो MCQ का बुक है, क्वेश्चन बैंक है, भारत स्किल ऐप से जाके डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिए। उधर से क्वेश्चंस 100% क्वेश्चन उधर से कॉपी होगा, ठीक है। तो जिसका पास निमी का क्वेश्चंस बैंक नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको शेयर कर देंगे, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो देख रहा है, टेस्ट को अच्छा से दीजिए, सीरियसली दे दीजिए। टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर सकते 80 से अगर आपको मार्क्स ऊपर आएगा तो आपका सिलेक्शन, एटलीस्ट सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन CITS में पक्का है। तो आज का एग्जाम ध्यान से दे दीजिए, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। टोटल 100 में से आप लोगों को 100 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और इसका जो पासवर्ड रहेगा सीट्स रहेगा, CITS कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है, ठीक है। तो आज का एग्ज़ाम आप लोग सही से दे दीजिए। ITI का रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है और रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसका अपडेट देते रहता हूँ। तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा लगे तो कॉमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना, बाय।